सेंसेक्स और निफ्टी आज 4 अक्टूबर को लगातार पांचवें दिन गिरावट के साथ बंद हुए। मिडिल ईस्ट में संघर्ष और एफआईआई की ओर से भारी बिकवाली की चिंता से बाजार में भारी बिकवाली देखी। सबसे ज्यादा पिटाई बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो शेयर्स की हुई। हालांकि इस बिकवाली के बीच आईटी शेयर्स ने थोड़ी राहत दी और निफ्टी इंडेक्स हरे निशान में बंद हुआ। इस पूरे हफ्ते सेंसेक्स करीब 4.5% और निफ्टी 4.3% लुढ़का है। ये जून 2022 के बाद किसी एक हफ्ते में आई इसकी सबसे बड़ी गिरावट है, और वो भी तब जब इस हफ्ते एक दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के चलते छुट्टी थी, वरना ये गिरावट और भी बड़ी हो सकती थी। इसके चलते इस पूरे हफ्ते निवेशकों को करीब 17 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। कारोबार के आखिर में बीएसई सेंसेक्स 808.65 अंक या 0.98% का गोता लगाकर 81,688.45 के लेवल पर बंद हुआ। तो वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 200.25 अंक या 0.79% टूटकर 25,049.85 के लेवल पर बंद हुआ। शेयर बाजार की इस उठापटक के पीछे 4 बड़े कारण रहे, तो चलिए इस वीडियो में आज उन 4 बड़े कारणों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला कारण मिडिल ईस्ट में राजनीतिक तनाव है। भारत समेत पूरी दुनिया के शेयर बाजार इस समय ईरान और इसराइल के बीच बड़े स्तर के युद्ध के छिड़ने की आशंका से सहमे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने शुक्रवार को 5 सालों के बाद तेहरान के ग्रैंड मस्जिद पहुंचकर जुमे की नमाज पढ़ाई। इस दौरान अपने संबोधन में खामेनेई ने सभी मुस्लिम देशों से विरोध की पेटी बांध लेने की अपील की है। उन्होंने फिलिस्तीन की लड़ाई का समर्थन करते हुए कहा कि हर देश को आक्रमणकारियों के सामने अपनी रक्षा का अधिकार है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री के बेरूत पहुंचने की भी खबर है। दूसरी ओर इसराइल ने बेरूत और वेस्ट बैंक में अपने हवाई हमले जारी रखे हैं, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है। अब आते हैं दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O के नियमों में बदलाव। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को भारी नुकसान से बचाने के लिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के नियम सख्त कर दिए हैं। इन नियमों में इंडेक्स वायदा में कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ाने, वीकली एक्सपायरी की संख्या में कमी और मार्जिन बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं। इसके तहत फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। अब बात करते हैं तीसरे, विदेशी निवेश के बाहर निकलने की चिंता, जो तीसरा बड़ा कारण है। निवेशकों को विदेशी निवेश के भारतीय शेयर बाजार से खिसक कर चीन और हांगकांग के बाजारों में जाने की आशंका है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने कहा कि पिछले 3 दिनों में एफआईआई ने करीब 30,614 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की है। एफआईआई महंगे वैल्यूएशन वाले भारत की जगह सस्ते वैल्यूएशन वाले हांगकांग में पैसा लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चीन के नए आर्थिक ऐलानों से वहां की इकोनॉमी ग्रोथ तेज होगी और चीनी कंपनियों की आय में भी सुधार होगा। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी कारण की, सितंबर तिमाही में कमजोर प्रदर्शन। अब तक सितंबर तिमाही को लेकर जिन कंपनियों के कारोबारी अपडेट सामने आए हैं उनमें से ज्यादातर निराशाजनक रहे। डाबर और मैरिको जैसी एफएमसीजी कंपनियों ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ के कम रहने की जानकारी दी है। ऑटो कंपनियों की बिक्री भी सितंबर में धीमी हुई, जिसके चलते इनके शेयर्स पर दबाव देखा जा रहा है। एक हल्की सी झलक पा लेते हैं कि आगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है। तो वीके विजय कुमार ने कहा कि निकट भविष्य में बाजार की दिशा एफआईआई और डीआईआई के बीच चल रही रस्साकशी से तय होगी। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर बाजार दूसरी तिमाही के नतीजों पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा, जो अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।